हिंदी में पूछ लो सर, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है, नहीं ऐसे समझ आ जाती है इंग्लिश भी, यहाँ पे तो हिंदी बोल सकते हैं ना। कॉम्पिटिशन तो सर काफी अच्छा था, वेदर कंडीशन आपको पता ही है काफी मतलब गर्म, और अभी स्टार्टिंग से ही मतलब वही फील कर रहा है कि अच्छा फील होगा तो थोड़ा एफर्ट उस तरीके से लगाएंगे। फिर अभी दोहा खेल के आया था तो उतना सही से रिकवरी और ट्रैवल काफी था तो इतना वो लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर चार ही थ्रो किए और जैसे भी थे वही उस तरीके से एफर्ट लगाया, फिर लास्ट के दो थ्रो छोड़ ही दी क्योंकि फिर ओस्ट्रावा में कम्पीट करना है दोबारा, फिर अभी थोड़े दिन बाद ही, ये मान लो 10-12 दिन बाद ही जाऊँगा मतलब उधर कम्पीट करना है तो। पर अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद इंडिया में खेलना और काफ़ी लोग आए हैं सपोर्ट करने, वो बहुत अच्छी बात लग रही है। Next question, well, this is the AFI channel जो live जा रहा है, तो नीरज आप 90 meters देख रहे हैं या एक ओलंपिक गोल्ड देख रहे हैं? सर अगर आप वैसे बात करें डिस्टेंस और मेडल की, ओलंपिक गोल्ड शायद ज्यादा बड़ी चीज है क्योंकि वही बोलते हैं कि मेडल कोई ले नहीं सकता, डिस्टेंस बीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं लेकिन मेडल को छीन नहीं सकता, तो बिल्कुल ओलंपिक गोल्ड मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन हाँ 90 मीटर भी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और जो सही जगह होगी दिन होगा उस दिन पक्का निकलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2017 में हेलो हेलो जी बढ़िया जी रेडी हो अधिक हो यू हमारी बात हुई थी ज्यादातर वही था कि हमें इंटरस्टेट खेलना है और इंटरस्टेट में मतलब वो था कि उधर पॉइंट्स भी ज्यादा है और थोड़ा ज्यादा हरियाणा में भी आओ पंचकुला में इस बार, तो फिर मैंने वही बोला कि शायद से इंटरस्टेट का टाइम ऐसा है कि बिल्कुल ओलंपिक के पास है, तो मैं दोहा में आ रहा था खेलने तो ये मुझे ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे आना थोड़ा इजी भी है और उसके बीच में मेरे कंपटीशन भी हैं जुलाई में, और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं और वही काफ़ी अच्छा लगा। मतलब थ्रो के बारे में हम बात नहीं करेंगे, थ्रो उसके हिसाब के नहीं थी लेकिन अच्छा था कि हाँ फाइनली अपने यहाँ पे इंडिया में कम्पीट कर रहे हैं, एथलेटिक्स इतने लोग देखने आए हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी। हाय सर, आप नीरज आपका तो जब ग्राउंड में जा रहे थे आई थिंक वार्म अप तो हाथ लोगों से हाथ मिला के हो गया होगा तो नहीं अच्छा लग रहा था यार, मतलब वही मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था उस चीज में देखे तो कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी आगे मिल सकता था, अभी मतलब बहुत सारे लोग एकदम पर वही है कॉम्पिटिशन तो है, कॉम्पिटिशन कोई भी हो हमको सीरियस होकर खेलना पड़ता है, पर बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन अब रिस्की भी है जब हम जेवलिन थ्रो कर रहे थे और कॉम्पिटिशन से पहले एक माइंड सेट अलग ही रहता है, तो वही था कि थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि लोग आना चाहते हैं लेकिन रोके जा रहे थे, तो बस वही था थोड़ा सा, बाकी तो अच्छा लगा कितने लोग प्यार दे रहे थे मिल रहे थे वो चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। टफ तो पेरिस मतलब ओलंपिक तो होने वाला तो पता है, अगर वैसे ही बात करें तो थ्रो काफ़ी अच्छी इस बार सभी अच्छी तैयारी में है और दोहा में भी अच्छा कंपटीशन रहा और टफ तो रहेगा ओलंपिक्स बार, लेकिन ये है कि उससे पहले हमारे पास 2-3 कॉम्पिटिशन और हैं, उनमें कोशिश करेंगे कि और अच्छे से थ्रो करें, और अभी कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमको अच्छा करना है सभी को मिल के वहाँ पर, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैच जैन और मनु थे वैसे हमको ओलंपिक्स में वही बेस्ट 8 के अंदर और कोशिश करेंगे कि कोई अपना जितना बेस्ट कर सके उतना करें, वही चीज़ चाहिए थी, जेवलिन ग्रो करे बस अपना, एथलेटिक्स ग्रो करे। नेक्स्ट हिंदू नीरज, दो क्वेश्चन है, एक है कि आप लास्ट टाइम कब 82 फेंक के जीते थे और दूसरा है कि टोक्यो से पहले जो प्रिपरेशन था उसका, सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ 82 लास्ट कब फेंक के आप जीते थे और दूसरा है कि टोक्यो से पहले जो प्रिपरेशन अभी का जो प्रिपरेशन क्या फर्क है? 82 जीता था जब कब फेंका था, 82 मीटर में मैं सैफ गेम्स में जीता शायद लास्ट टाइम,
82.23 था क्योंकि जो हमारे राजेंद्र भाई साहब थे उनका नेशनल रिकॉर्ड था 82.23 का, तो तब सेम इक्वल किया था। काफ़ी टाइम बाद था, पर वही था कि जैसे जिस तरीके से कंडीशन थी और बॉडी जैसा जैसा फील हो रहा था उस तरीके से ही एफर्ट लगाया, क्योंकि सबसे मेन तो यह था कि एक बार इंडिया में खेलना है और अभी बाकी आगे अच्छे बड़े कॉम्पिटिशन आ रहे हैं तो वहाँ पे और एफर्ट लगाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि टोक्यो से भी अच्छी करके जाए पेरिस में, उसके लिए टाइम भी अभी थोड़ा बीच में कम्पीट भी करेंगे और कोशिश करेंगे उससे एक डेढ़ महीना पहले ट्रेनिंग पे ही फोकस कर दें पूरा, ताकि फिर ओलंपिक्स के लिए प्रॉपर फिटनेस और अपना माइंड सेट पूरा 100% पॉजिटिव करके जाए। बाद में जो कोरोना जब आया था टोक्यो जाने से पहले यहाँ प्रैक्टिस करके गए थे बलिंग स्टेडियम में, आप इस बार यहाँ गोल्ड मेडल भी लाना है अभी इसके अभी नहीं, अभी इस बार तो नहीं है जी, लेकिन हाँ टोक्यो से पहले हम यहाँ पे थे क्योंकि पटियाला में थे, वहाँ पे ठंड काफी होती है तो फिर हमारा कैंप इधर आ गया था, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के जो स्टाफ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, हम होटल में थे दो तीन गाड़ियाँ थी और फिर हमको लेके आना वापिस लेके जाना, और फिर बाकी यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छे से दी जा रही थी, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे दोबारा आके। और वही यहाँ पे जगन्नाथ जी तो हैं, सभी को सभी का आशीर्वाद रखे और हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इसके बाद जी अभी ओस्ट्रावा में है गोल्डन स्पाइक और काफी अच्छा कंपटीशन है, याकूब होगा वहाँ पे, पीटर्स भी होगा, तो इसके बाद वहाँ पे है और वो 28 को है, क्योंकि तो ट्रैवल करना है दोबारा, अभी थोड़ा ऑफिस से सेट करेंगे रिकवरी कर कैसे जा रहे हो, पता लग ही जाता है मतलब अपने आप ही। अभी ओफनबर्ग में हुआ था एक, वो जो लड़का है जूनियर आर्थुर यूक्रेन का, उसने 83 समथिंग फेंका, मैक्स ने 80 कुछ फेंका, तो कंपटीशन का पता लगता रहता है, पता लगता है, इतने ज्यादा होते नहीं है वैसे एथलेटिक्स के, जितने भी होते हैं तो पता लग जाता है। ये तो कंसिस्टेंट पॉलीथ्रो नहीं है पर गोल्ड तो है। हाँ जी गोल्ड है वो, मैं जैसे बोल रहा हूँ डिस्टेंस और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमेशा ही होता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं और यहाँ पे आप अपने खिलाड़ी पुश कर रहे हैं, ये तो सबसे पाएंगे कितना चैलेंज, सबसे बेस्ट बात ये है कि हाँ हम अगर हम अपने ही कंट्री में ऐसे एक दूसरे को पुश करें तो वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे उतना ही, जैसे जर्मन थे जब होफमैन रोलर और बैटर वेबर ये सब एक दूसरे को पुश करते थे वहीं पे 90 मीटर से इनकी नेशनल टीम लगती थी, तो फिर ये जब डायमंड लीग या वर्ल्ड चैंपियनशिप जहाँ पे भी जाते थे तो वैसे ही जर्मन ऑलरेडी फर्स्ट या सेकेंड मेडल में तो हमेशा रहते थे, तो वही है अगर हम यहाँ पे एक दूसरे को पुश करेंगे धीरे धीरे, जैसे 84 जिन्होंने 87 और हम एक दूसरे को पुश करेंगे 85 प्लस की थ्रो करेंगे तो उतना ही मजा आएगा इंटरनेशनल उसमें खेलने में। नीरज सर, जैसे टोक्यो ओलंपिक से पहले आपने कुछ कॉम्पिटिशन चूज किए थे इंटरनेशनल, तो इस बार भी ऐसे करेंगे पेरिस से पहले कुछ चूज करेंगे या कुछ आप सोच? हाँ जी बिल्कुल ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे ओस्ट्रावा मैंने बताया 28 को है, फिर टुर्कू में है जेवलिन के लिए, वो भी काफी फेमस है फिनलैंड है, अभी के लिए यही है जो पब्लिश हुए हैं और आगे का जैसे जैसे हम डिसाइड करेंगे, पहले ये खेल लेंगे इसके बाद कैसा फील होता है फिर डिसाइड करेंगे, वरना फिर कोशिश करेंगे कि बैटर के बाद फिर अपना पेरिस की प्रिपरेशन चालू कर। ऐसे काफी एथलीट्स रहे हैं जैसे पीवी सिंधु ने कंटिन्यू अपना वो किया है, अभिनव बिंद्रा जी रहे हैं और अपने टाइम पे पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत हैं पर वही है कि हाँ कम होते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे जो है
एथलीट्स का मतलब वो संख्या कम है, जैसे मेडल्स हम इंटरनेशनल ओलंपिक में जीतते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, अपने आप ही वो माहौल बनता रहेगा। अभी बढ़ रहे हैं, अभी एथलीट्स और ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे पैसा आता है उसको संभालना कैसा है वो उस चीज़ का थोड़ा सा एथलीट्स को पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वही कोशिश करते हैं कि जब पैसा आए तो घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली, शौक पूरे कर लिए। पर वही है कि एथलेटिक्स ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दूसरे स्पोर्ट्स के अगर हम बात करें उतना पैसा वो नहीं है, तो अगर आपको फ्यूचर के लिए सिक्योर होना है तो जितना ही पैसा मिले उसको अच्छे से संभालना सीखे और वो चीज़ आगे जाके अच्छा रहेगा। और ऐसे काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे काफ़ी एथलीट्स हैं ऑलरेडी जो अपना फोकस रखते हैं, वो बस बाई चांस क्योंकि इंजरी होगी, किसी को कुछ और रीज़न होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, वो काफ़ी रीजन्स होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी काफ़ी बेटर है। सबसे पहले तो वही रहता है कि जैसा हमने ट्रेनिंग में जो टेक्निक या थ्रो करके आए हैं वो फोकस रखें, क्योंकि एथलेटिक्स स्पोर्ट ऐसा है कि हम दूसरों के साथ कम्पीट तो करते हैं लेकिन सबसे पहले अपने साथ कॉम्पिटिशन होता है कि हमको अपनी परफॉर्मेंस जितनी कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट करनी है। तो वही रहता है कि कई बार ऐसा भी हुआ है, पहले की बात करूँ तो, कि रोलर ने वेटर ने पहली थ्रो 90 क्रॉस कर दिया, उस टाइम मेरी थ्रो 86-87 होती थी। अब उसका मतलब ये नहीं था कि मैं दबाव में आ जाऊँ कि यार अब तो मेडल तो निकली गया हाथ से, मैं कोशिश करता था कि यार जितनी मैंने थ्रो किया एटलीस्ट वो तो मुझे करनी है, वही माइंड सेट अभी रखता हूँ। बिल्कुल जब थ्रो ज़्यादा लगाते हैं तो और ज़्यादा कोशिश करता हूँ खुद को पुश करने की, लेकिन वही है कि अगर मैं अपने थ्रो के आसपास लगाता तो मैं सेटिस्फाई। जी हाँ जी, नहीं दोनों बैलेंस रहेगा, रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान तो रहेगा क्योंकि ट्रैवल भी है और ट्रेनिंग भी, उसके बीच में कोच के और जो भी फिजियो का प्लान होगा उस तरीके से करेंगे। आज का मतलब ये है कि हम एक अभी टर्की में ट्रेनिंग कर रहा था, फिर यहाँ पे आया तो ऐसे वेदर में काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, पर वही है हम इंडियन, हमको कहीं भी कुछ आता हम ऐसे वेदर को तो कंट्रोल कर ही लेते हैं, तो और उतना उस तक मतलब जो मज़ा आता है कॉम्पिटिशन खेलने का वो नहीं आ रहा था। और फिर जैसा मुझे फील हुआ कि यार कंडीशन बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने फोर्थ थ्रो के बाद फिर मैंने वही सोचा कि छोड़ते हैं, और वही था कि मुझे लग रहा था कि मन्नू फेंक देगा आज तो, पर उससे लग नहीं पाई, उसकी जमीन जल्दी लैंड हो रही थी, पर मेरे माइंड में भी लगा था कि नहीं यार चार थ्रो के बाद और करनी नहीं है, और रिजल्ट कुछ भी रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैरिस इस बार सबसे मेन है, वही है। पर जो भी था कंपटीशन जैसा भी था, भले ही थ्रो उस हिसाब से नहीं लगी जितनी लगती है, लेकिन आज का माहौल देख के बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ेदार था। थैंक यू सो मच।